नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप अपने घर में अगर वॉश बेसिन लगा रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वॉश बेसिन के पास क्या-क्या चीज़ होना चाहिए आज उसी के बारे में बताऊंगा। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप वॉश बेसिन तो अपने लगा दिए, चाहे डाइनिंग हॉल चाहे आपका ड्राइंग रूम में, पता चला कि भाई ना तो उसमें टॉवल रिंग लगवाए हैं वहाँ पर, ना ही आप जो है सॉप जो है जो साबुन जो रखते हैं वो लगवाए। तो आज हम 8 ऐसे मटेरियल बताएंगे, अगर आप वॉश बेसिन लगा रहे हैं तो आपको ध्यान देना है। तो फुल्ली तो ये है वीडियो, और चलते हैं एक एक करके और आपको बताएंगे कि भाई अगर आप वॉश बेसिन लगा रहे हैं तो क्या देना है, ध्यान देना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जिस जगह पे आप वॉश बेसिन लगा रहे हैं वहाँ पे आपको टाइल्स लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर टाइल्स की बात करें, पहला पॉइंट है टाइल्स की, तो टाइल्स आपका दो तरह की जाना था, पूरा फ्लोर से लेकर के 7 फीट तक जा सकते हैं, या नहीं तो जहाँ से आपका वॉश बेसिन लगा हुआ है तो वहाँ के हाइट से आप जो है 3 या 4 फीट ऊपर ले सकते हैं। ठीक है, तो एक और चीज़ सबसे बड़ी बात है कि वॉश बेसिन का हाइट कितना हो। देखिए वॉश बेसिन का आपका हाइट होता है 2.5 फीट से लेकर के 3 फीट तक, और ये ज़्यादातर वॉश बेसिन हम लोग लगाते हैं डाइनिंग हॉल में जहाँ पे हम लोग खाना वाना खाते हैं, या नहीं तो ड्राइंग रूम में। तो चलते हैं, देखिए वॉश बेसिन लगाने का और ये है मकसद कि भाई जब सुबह सुबह उठे तो ब्रश व्रश करने के लिए जो है वहाँ पे वॉश बेसिन के पास ही लोग जाता है। तो अब चलते हैं और एक एक करके बताते हैं कि भाई हम आपको डायरेक्ट ले चलेंगे जहाँ पर वॉश बेसिन लगा हुआ, तो एक एक पॉइंट करेंगे। पहला अगर हम बात करें तो पहला है कि आपको टाइल्स लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और दूसरा अगर बात करें तो वॉश बेसिन का जो सेट होता है आपका, चाहे सिंक हो चाहे आपका जो है उसका पेडेस्टल हो, तो ये चीज़ जो है आपको लगाना है। ठीक है, और उसके साथ ही तीसरा पॉइंट आता है टैप का, तो टैप भी आपको इनलेट लगाना है, और उसका ये भी ध्यान देना है कि इनलेट और आउटलेट पाइप अच्छी तरीके से लगा है या नहीं लगा है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हो गया, और चौथा पॉइंट जैसे इसका इनलेट पॉइंट आप यहाँ जो देख रहे हैं, ठीक है, और चौथा पॉइंट यहाँ जो आता है वो है आपका मिरर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। ठीक है, मिरर आपको लगाना है ही, और उसके साथ ही जो है आता है आपका सॉप स्टैंड, सॉप स्टैंड के बाद आता है आपका टॉवल रिंग। ठीक है, और इस तरीके से आप जो है और लाइट, और उस जगह पे जहाँ पे आप जो वॉश बेसिन है वहाँ पे तो लाइट रहना ही चाहिए, क्योंकि वो चीज़ का ध्यान रखिएगा कि भाई लाइट है कि नहीं उस जगह पे। तो फिर हो गया एक, और उसके साथ ही आपको एक और चीज़ लगाना है, वो है आपका टूथ ब्रश स्टैंड। तो इतना सारा चीज़ आपको जो है यहाँ पे लगाना है, हेलो हाय एकदम इस हिसाब से जो है, तो आपको ध्यान देना है इस चीज़ को लेकर के। तो लाइट भी आप लगा दिए, सब कुछ टोटल मैंने 8 पॉइंट क्या क्या बताया, टाइल्स, वॉश बेसिन पूरा सेट, टैप कितना, टाइल एक, वॉश बेसिन दो, टैप पूरा, चौथा टैप थ्री, और चौथा मिरर, पांचवा टॉवल रिंग, छठा सोप स्टैंड, सातवां लाइट, और आठवां टूथ ब्रश स्टैंड, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, और ये ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि ये कॉर्नर में लगे तो बहुत अच्छा है, और इसके साथ ही ये आपका जो है देखने में भी थोड़ा सा हर तरह का डिज़ाइन थोड़ा सा अच्छा लेंगे तो वो आपको देखने में बहुत सुंदर ही दिखेगा। तो उस हिसाब से आपको ध्यान में रखते हुए जब भी कभी आप परचेज करेंगे तो ये वॉश बेसिन का सेट, उसका सिंक के साथ जो पेडेस्टल है, थोड़ा सा डिज़ाइनदार की लाने से जो है अच्छा दिखेगा। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो आपको कैसा लगा, और इसी तरीके का वीडियो और आप देखना चाहते हैं तो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और खास करके हमारे चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे ना, उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर देना। उससे बेनिफिट क्या होता है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लाएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।